हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल वर्सेटाइल सोनाली। फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ कुछ ऐसी चीजें शेयर करने वाली हूँ जो मैंने खुद ने रियलाइज की है अपनी लाइफ में। आप जो भी करना चाहते हो खुशी से कीजिए। कुछ अगर आपके दिल को लगता है कि आपको ये करना है, वो करना है, और आपके आजू बाजू अगर ऐसे लोग हैं, हो सकता है आपके रिलेटिव है, फ्रेंड्स है, जो आपको ये कहे कि ये तुम नहीं कर सकते, इसका मतलब वो चीज़ आप डेफिनेटली कर सकते हो। आप समझ सकते हो, एक तालुके के गांव में जिस लड़की ने जन्म लिया 21 ईयर अपने एज के, वो तालुके के गांव को छोड़कर कहीं नहीं गई। वो एज के आफ्टर 35 उसने ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया, और 4 कंट्रीज में वो ना कि सिर्फ पेजेंट की कंटेस्टेंट बन के गई बल्कि वो जूरी मेंबर भी बन के गई। तो ये है मेरी हिस्ट्री। अगर आपको नहीं पता, आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं, मेरे इस सब्जेक्ट पर रिलेटेड वीडियो है। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, आप जो भी करना चाहते हो वो कीजिए, पॉजिटिव रहिए, और खुद को बोलिए दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जो आप नहीं कर सकते हो। कोई भी चीज़ नहीं, बिलीव मी, हर एक चीज़ आप कर सकते हो। भगवान ने आप में इतना सारा टैलेंट भरा है, इतनी सारी शक्ति भरी है, आप जो चाहे वो कर सकते हो। ज़रूरत है आपको पॉजिटिव रहने की। आप अपने सपनों को ज़रूर पूरा कर सकते हो। उसके लिए ज़रूरी आपका कॉन्फिडेंट और आपका पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमेशा खुद से ये बातें कीजिए कि यू कैन डू इट। फिर वो कोई भी चीज़ हो, आप ज़रूर कर सकते हो। यही मैं आपसे कहना चाहती हूँ। बड़े बड़े सपने देखिए, और कुछ भी हो जाए, मुझे अपने सपने पूरे करने हैं। आप ज़रूर अपने सपनों को पूरा कर पाओगे, ये मैं यकीन के साथ कहती हूँ, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जिस तरह की लाइफ मैंने पहले जी है और जिस तरह की मैं अब जी रही हूँ, तो कभी भी ज़िंदगी में निराश मत होना, हताश मत होना, और जो भी आपका मन करे कीजिए। लेकिन अगर आपको अपने गोल तक पहुँचना है तो उसके लिए आपको सबसे ज़रूरी है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको लगन से मेहनत करनी है। आपको घर बैठे बैठे नहीं मिलेगा। सिर्फ सपने देखने से आपके सपने पूरे नहीं होंगे। उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तो जाकर आपके सपने पूरे होंगे। लेकिन ये बात याद रखिए कि ज़रूर पूरे होंगे, ये मेरा दावा है आपसे। और आप चाहे तो एक चीज़ आप कर सकते हो। आपने लव ऑफ अट्रैक्शन सुना ही होगा। आप एक डायरी बना लीजिए और डायरी में आप रोज आपको वो डायरी मेंटेन करनी है, रोज आपको उस डायरी में लिखना है। और उस डायरी में जब आप चीज़ें लिखेंगे तो आपको प्रेजेंट टेंस में लिखनी है, ना कि पास्ट टेंस में और ना ही फ्यूचर टेंस में कि आगे होने वाली है या हो चुकी है। इससे ऐसे नहीं लिखनी, ऐसे लिखना है कि वो चीज़ें अब आपकी लाइफ में हो रही है। जैसे आपका सपना है, मान लीजिए आप बहुत बड़ा घर चाहते हो, तो आपको डायरी में ये लिखना है कि आज मैंने मेरे सपनों का ड्रीम हाउस ले लिया है। या हो सकता है आपको कोई महंगी कार चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, तो आपको ये लिखना है कि आज मैंने अपनी मर्सिडीज ले ली। और आपको ये एक सेंटेंस में नहीं लिखना है, आपको उसको पूरा डिटेल में लिखना है कि मेरे कई दिनों का सपना था मुझे मर्सिडीज लेनी है, तो आज मैंने अपनी मर्सिडीज ले ली है, और मैं आज शोरूम गया था, वहाँ से मैं मर्सिडीज लेकर आया। उसको डिटेल में आपको उसका कलर क्या है, उसकी प्राइस क्या है, अपने कार लाने के बाद पहले आप मंदिर गए, पूजा की, फैमिली को लेकर घूमने गए, ऐसा पूरा डिटेल में लिखना है। तो जो भी आपका ड्रीम है, शादी से रिलेटेड हो सकता है, पार्टनर से रिलेटेड हो सकता है, बच्चों से रिलेटेड हो सकता है, या और अचीवमेंट हो सकती है, आप लाइफ में बहुत बड़े इंसान बनना चाहते हो, बहुत पैसे वाले बनना चाहते हो, या और भी कई तरह के ड्रीम हो सकते हैं, वो सब पूरे हो सकते हैं। मैं ये आपको यकीन के साथ कहती हूँ। इसके लिए ज़रूरत है पॉजिटिव रहने की, बी पॉजिटिव, बी कॉन्फिडेंट, एंड मेहनत करने की। आप मेहनत से जो भी करोगे आपके ड्रीम ज़रूर पूरे होंगे, ये मेरा दावा है आपसे। उसके लिए आपको क्या करना है, आपके अंदर जो भी बैड हैबिट्स है उनको त्याग दो। जैसे कि लेट उठना, आलसीपन, दूसरों के बारे में गलत सोचना। हमें पता है कि कौन सी चीज़ें अच्छी है और कौन सी गलत है, तो जो भी आपके अंदर बुरी आदतें हैं उन सबको छोड़ दो और अच्छी आदतों को अपना लो। अच्छा सोचो तो अच्छा ही होगा। इसलिए आपको मेहनत करनी है, क्योंकि देरे हरी बाजावरी म्हणजे मराठी में कहावत है, खाट पे बैठ के भगवान देने वाला नहीं है। उसके लिए मेहनत तो आपको ही करनी है। तो आप मेहनत करेंगे तो आप अपने मुकाम तक ज़रूर पहुँचेंगे।
तो यही थे मेरे आज के थॉट जो मुझे लगा कि मैं आप सबके साथ शेयर कर सकती हूँ। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।